हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आज हम सर ने मेरे को फोन किया था कि भाई आ जाओ तैयार होके बाहर, तो मैं आ गई हूँ। अब बैठे हम गाड़ी में, तो क्या नाचो मैं तो सर से पूछ ही रही हूँ मैं कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना, कुछ बता ही नहीं रहे। क्या मैटर है सर, बता दो, मैं नहीं आप ही बताऊंगा। बता दो। देखिए, मैटर कुछ नहीं है क्योंकि सीमा ना आजकल नाराज चल रही है, हाँ वो तो ठीक चल है। रही अब है। मैंने उसको कल भी कॉल की थी कि सीमा भाई बात करने आ जा, मतलब वो ना परेशान हो रही है काफी ज्यादा, कह रही है ऐसा वैसा है। मैंने कहा नहीं, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला कि सीमा मैं आ रहा हूँ, ठीक है। उसने कहा कि चलो, कल भी उसने कहा कहते आ जाओ। फिर उसने पता क्या पूछा मेरे से कि आप कौन कौन आ रहे हो। मैंने कहा बताओ। कहती अगर आप अकेले आ रहे हो तो आप आ जाओ, और अगर कहते देवना साथ में तो मत आओ। बताओ भाई, अच्छा तो ऐसे थोड़ा कि, तो मैंने फिर यही कहा कि ऐसे तो देख कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आप आमने सामने, सीमा के दिमाग में क्या गलत फहमी हो रही है मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है उसको क्या नहीं। तो अभी जा रहे हैं वहां पहुंच के ना, सीमा को मैं बुला रहा हूँ। अब उसको मैंने ना ये कहा कि मैं अकेला आ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको पहले बताता ना तो वो मिलने ना आती, मतलब बाहर ना आती, वो मिलने ना आती, इग्नोर करती। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ सीमा, जब तू वीडियो देखी, क्योंकि अगर जब तक हम बैठ के बातचीत नहीं करेंगे ना तो किसी भी समस्या का सोल्यूशन निकलने वाला नहीं। लड़ते जाओगे तुम ऐसी कमेंटों पे, लोग तुम्हारा तमाशा देखते जाएंगे, लोग कमेंट करते हैं, पूरे रिश्तेदार कमेंट पढ़ते हैं तुम्हारे भाई, तो क्या फायदा इस चीज़ का। तो इसलिए बैठ के बातचीत करेंगे और बता, तेरे दिमाग में जो चीज़ है, तुझे कोई गलत फहमी है या जो भी है, किसी से रिलेटेड तुझे कोई परेशानी है तो आ करके बता। तो गाइस चलते हैं अभी सीमा के पास, जाके मिलते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब ये देखिए, आ गई सीमा बेचारी, इसको फोन किया था ये आ गई है, और लग रही पूरी, और गुस्से में तो चलो है ही बेचारी, कोई बात नहीं। हाँ जी नमस्ते, कैसे है? बढ़िया जी। आप तो कह रहे थे आप अकेले आओगे। अकेले क्या, बस चला जा अंदर, तो आ जा अंदर बैठ के बात करते हैं। क्यों मैं अकेला? हाँ भाई, क्या बात है सीमा, तुम्हें भाई बताओ क्या दिक्कत हो रही तुझे? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है जी, इसको उतनी दिक्कत है। क्या दिक्कत? मुझे क्या दिक्कत होनी भाई, गुस्सा तो ये रहती है। तो रहती है सीमा गुस्सा वैसे आजकल? हाँ मैं रहती हूँ जी गुस्सा। क्यों रहती है? क्योंकि आज जब से आई है आपने मुझे छोड़ दिया। ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तुझे छोड़ दिया। क्यों, पहले आप मुझे बुलाते थे, अब बुलाते ही नहीं वीडियो के लिए बिल्कुल भी। तब आपने मुझे यूज करके छोड़ दिया है। क्या यूज? मैंने तुझे यूज करके छोड़ा तो नहीं ना, मैंने तुझे आज भी, मैं कह रहा हूँ, मैंने, तू खुद नहीं आती ना, मैंने छोड़ा कहाँ तुझे? जब तू खुद, मैंने तो तुझे फोन किया कल भी, तूने मेरा फोन नहीं उठाया भाई, तो बता कहाँ छोड़ दिया? अरे तो और कुछ नहीं आती क्या तेरे को? तू चिड़ हो रही है। हाँ हो रही है मुझे चिड़। जब तक क्यों नहीं रहा फिर यहाँ से? मैं क्यों जाऊँ भाई, मैं तेरे घर में थोड़ी रह रही हूँ जो मैं चाहूंगी। मैं क्यों जाऊँ, तू जा भाई। मैं क्यों जाऊँ, मैं तेरे से पहले हूँ उनके साथ। फिर तूने फेरे ले रखे क्या? तूने कौन से फेरे ले रखे इनके साथ? तो ले लूंगी मैं, चल लेके दिखा तू। मैं ले लूंगी, तू लेके तो दिखा। ठीक है हाँ, लेके दिखा दो फेरे। हमने तो सरेआम बोल दिया, ठीक है ना, हमें हिम्मत ही, हमने बोल दिया सरेआम। चल ठीक है, जो तूने बोल दिया ठीक है, तू करके दिखा एक बार फिर देखूंगी। तू क्या कर लेगी भाई, तू तो ऐसे कह रही जैसे भाई तू पता नहीं कौन सी तोप चला देगी, तेरा पता नहीं कौन सा क्या वो है। अरे बस कर भाई, मतलब कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है, कोई बात है तो तू बता भाई। तो हमारे तीनों, हम तीनों मिलके रह सकते हैं, तीनों मिलके हम वीडियो बना सकते हैं। मुझे नहीं रहना तेरे साथ। तो फिर मुझे भी नहीं रहना तेरे साथ, ठीक है ना? चलो मैं तो अकेली ठीक हूँ। तो भाई तुम दोनों मत लड़ो, कोई बात नहीं, हम सब इकट्ठे एक काम किया करेंगे, जैसे भी हम करते हैं इकट्ठे, घूमते फिरते हैं, खाते हैं, इसमें क्या होगा सीमा? तुझे क्यों परेशान हो रही इतनी? अभी रेगुलेशन ना मुझे धक्का दे क्यों गई, जब से आई आप मुझे इग्नोर बहुत करते हो। कहाँ इग्नोर करता? पहले आप मेरे घर भी आ जाते थे, अब घर भी नहीं आते। मैं आता हूँ, अब थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम रहती है इसलिए नहीं आ पाता, नहीं तो मैं। टाइम बहुत है आपके पास, फ्री रहते हो आप सारा दिन, इनके साथ वीडियो बनाते हो। ऐसा कुछ नहीं है, इसको पता नहीं क्यों, और हमारे लिए टाइम ही नहीं है आपके पास। जब भी हमने वीडियो बनाई है, एक दो वीडियो हमने अलग से ही बनाई होगी, वैसे मैं घर पे ही ज्यादा बनाती हूँ। और ना जब भी जब से तू ही हमारी लाइफ से तू ही गई है, तू ही। अब ना जब ना आपने कैमरा पीछे किया, ठीक है, तो इसने ना मुझे, मेरे ऊपर हाथ उठाया इसने, ठीक है ना, ये क्या बात है? उठा तो मैं भी लूंगी, मैं कौन तुझे देखती हूँ, मैं डरती हूँ तेरे से। तो फिर मैं डरती हूँ क्या? हाथ तो मेरे भी है पर फिर भी मैं चुप रहती हूँ, ठीक है। तू पहले भी ना, जब शुरू से मैं आई थी ना, तब से इसका ड्रामा चालू हो गया था। या तो तू भी पहले, ये मेरा ड्रामा नहीं है, ये तेरा ड्रामा है, तू करती है, मैं नहीं करती। भाई मैंने तो तेरे को फोन किया था, तूने ना मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। मैंने इतने फोन किए इसको कि चलो बच्चों का रिजल्ट पूछती हूँ मैं क्या रहा, इसने एक भी फोन नहीं उठाया मेरा इसने। और ना ऊपर से फिर मुझे उल्टा सीधा कह रही है। मैंने कोशिश की तेरे से हर बार बात करने की, ठीक है,
चल ठीक है, मैंने तुझे बुलाया था, पर ये थोड़ी कहा था कि तू बलवीर जी के ऊपर सामन के बैठ जाए बिल्कुल। क्या बोला तूने? बलवीर जी के ऊपर सामन के बैठ जाए बिल्कुल से, उनको हमसे दूरी तो करते हैं। जो मैं शिव जी सामन के बैठे कुछ भी बोरी देखना कुछ हमसे दूर लेके चली गई है तुम तो भाई। मैं किसी को दूर नहीं लेके जा गई हुई, ठीक है। दिन रात इनके पास रहो, आप घर पे रहो इनके, ठीक है। पर यह की अब जो जो मेरे से वादा किया वो भी तो निभाएंगे ना, ये थोड़ी होता है। एक मतलब दोस्ती के तौर पे रह रहे हैं, इसमें तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तू भी मैंने तो कभी तेरे को मना नहीं किया भाई, ठीक है ना। तू ही मेरा फोन नहीं उठाती। अगर बलबीर जी आपको तेरे को फोन कर नहीं कर सकते, वो बिजी रहते हैं, तो तू उस बात का ध्यान है क्या? पता तूने मना किया उनको फोन करने से, कभी नहीं फोन करते। बंदा किसी की बात मान ले, ये मान ले किसी की बात, ठीक है ना। बंदे को कुछ नहीं पता चलता है अभी, और तो इसमें कब्जा, बंदे को पता ही नहीं चलता किसका जादू चल जाता है इनके ऊपर। तो तेरा क्यों नहीं चला भाई? क्या पता हमें वो खूबी ना हो जब तुझ में। कहाँ जा रही भाई तुम? अब कहाँ जा रही हो? अरे नहीं नहीं कोई नहीं। अरे अब मैं तुम्हारे को मैं बांध देता, चाहे तुम्हारे लिए मैं दिन बांध दूं, मैं तुम्हारे को दोनों को फुल टाइम दूंगा। आ जाओ जल्दी से, ये देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखना कैसे बंटवारा होगा, क्या होगा हमारा समाधान।